प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटिस का एक सदस्य इसके जीवन चक्र लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटिस वर्ग के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कवकों के वर्गीकरण में एक वर्ग या एक क्लास ऐसी बनाई गई है जिसे हम फॉर्म क्लास, डस्टबिन क्लास के नाम से भी जानते हैं, और ये क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस कहलाती है। ड्यूटेरोमाइसिटिस वर्ग का निर्माण इसलिए किया गया कि ऐसे कवक जिनका लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है, उन सभी वंशों को इस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, और जब भी उसके लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसे उस रेस्पेक्टिव वर्ग के अंदर वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन फंजाई को पहले ड्यूटेरोमाइसिटिस में वर्गीकृत किया गया, और इन ड्यू कोर्स जब उनके लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई तो उन्हें वहाँ से निकालकर रेस्पेक्टिव वर्ग में वर्गीकृत किया कर दिया गया। जैसा कि पेनिसिलियम एक मेंबर है जो कि उसका लैंगिक जनन पूर्व में ज्ञात नहीं था और इसीलिए उसको जो है ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखा गया। जब उसके लैंगिक जनन के बारे में पता चला कि उसके अंदर एस्कस और एस्कोस्पोर बनते हैं तो उसे उठा करके एस्कोमाइसिटिस के अंदर वर्गीकृत कर दिया गया। इसी प्रकार से क्लेविसेप्स का वर्णन भी आता है जिसमें उसे पहले स्पेसिलिया सेजेटम के नाम से ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखा गया, और उसके ड्यू कोर्स में जब उसके लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और पता लगा कि इसके अंदर जो है एस्कस और एस्कोस्पोर बनते हैं तो उसे वहाँ से हटा करके जो है एस्कोमाइसिटिस में वर्गीकृत कर दिया गया। तो अल्टरनेरिया भी एक ऐसा मेंबर है जो फिलहाल ड्यूटेरोमाइसिटिस में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसके लैंगिक जनन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें अलैंगिक जनन के दौरान कोनिडिया का निर्माण होता है। तो हम आने वाली स्लाइड्स में अल्टरनेरिया के जीवन चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अल्टरनेरिया का अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो किंगडम प्लांटी, डिवीज़न इज माइकोटा, सब डिवीज़न यू माइकोटिना, फॉर्म क्लास दैट इज यूटेरोमाइसिटिस, फॉर्म ऑर्डर बोनिलियल्स, फॉर्म फैमिली दैट इज डिमेसिएसी, एंड जीनस इज अल्टरनेरिया। क्योंकि ये क्लास बनाई हुई क्लास है जो कि टेम्प्रेरी क्लास है, इसलिए इसको फॉर्म क्लास के नाम से या फॉर्म ऑर्डर के नाम से, फॉर्म फैमिली के नाम से यहाँ पर इसका वर्णन किया जाता है। अल्टरनेरिया द फॉर्म स्पीसीज अल्टरनेरिया आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट्स एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। द सेप्रोफिटिक स्पीसीज ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड हेल्प्स इन इंटीग्रेशन, वेयर एज द पैरासिटिक स्पीसीज कॉजेज सेवरल डिजीजेज इन प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टरनेरिया के द्वारा कई सारे प्लांट्स में, पौधों के अंदर जो है रोग उत्पन्न किए जाते हैं, और वहाँ पर वो उन प्लांट्स के लिए एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में, और हम कह सकते हैं अविकल्पी परजीवी के रूप में काम करती है, और इसीलिए उसे हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। द इम्पोर्टेंट पैथोजेनिक स्पीसीज ऑफ अल्टरनेरिया आर डिस्क्राइब्ड हियर। जैसा कि हम जानते हैं अल्टरनेरिया सोलेनाई जो कि आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से बीमारी करती है, और भी सोलेनेसी के जो कुछ प्लांट्स हैं उनके ऊपर अर्ली ब्लाइट नामक डिजीज करती है। अल्टरनेरिया कुकुमेराइना जो कि कुकरबिटेसी के सदस्यों को ब्लाइट के सिम्टम उत्पन्न करती है, जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, गोल्ड, इन आदि प्लांट्स के ऊपर अल्टरनेरिया कुकुमेराइना जो है वो अर्ली ब्लाइट के सिम्टम उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से अल्टरनेरिया टेनुइस जो कि वीट के अंदर ब्लैक पॉइंट डिजीज नाम की बीमारी पैदा करती है। अल्टरनेरिया ब्रेसिकी जो ब्रेसिकेसी के मेंबर्स हैं उनके अंदर ब्लाइट के सिम्टम उत्पन्न करती है, जैसे कि उसमें मस्टर्ड है, कॉलीफ्लावर है, ये सारे मेंबर्स आते हैं। तो अल्टरनेरिया जो है यहाँ पर एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में जो है इन प्लांट्स के अंदर संक्रमण का कार्य करती है। यहाँ पर कुछ डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाया गया है कि किस प्रकार से गेहूं के अंदर जैसे कि जो है ब्लैक पॉइंट डिजीज करती है, ये यहाँ पर गेहूं के जो बीज हैं इनके ऊपर एक काला काला निशान बन जाता है,
ये अल्टरनेरिया टेनुइस के द्वारा ये डिजीज उत्पन्न की जाती है, और इसीलिए हम ब्लैक पॉइंट डिजीज कहते हैं। गेहूँ के अंदर काला बिंदु रोग, जो कि उसके दाने के अंदर एक बिंदु पर कालापन उत्पन्न करता है, और ये अल्टरनेरिया टेनुइस के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से ये ब्लाइट के सिम्टम है, पत्ती के ऊपर जलाने का काम करती है, और पत्ती के ऊपर राउंड 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 इसके ऊपर कई सारी रिंग्स बन जाती है, और धीरे धीरे वो पत्ती का हिस्सा पूरा जल जाता है और ब्लाइट के सिम्टम उत्पन्न करता है। इसे हम अर्ली ब्लाइट जो है नाम देते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ ब्रेसिकेसी। सिम्टम्स कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके अंदर किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। द डिजीज सिम्टम अपीयर व्हेन द प्लांट्स आर 3 वीक्स ओल्ड, जब 3 सप्ताह प्लांट ग्रो कर जाते हैं उसके बाद में इस बीमारी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। द अर्ली सिम्टम्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल येलोइस ब्राउन स्पॉट्स ऑन द लीड्स विच इनलार्जेस टू फॉर्म कंसेंट्रिंग रिंग्स। जैसा कि पूर्व में भी आपको सिम्टम्स के अंदर बताया गया है कि जब पत्ती के ऊपर छोटे पीले और भूरे रंग के कई सारे स्पॉट बन जाते हैं, ये स्पॉट आकार में बड़े होते जाते हैं और कई सारी वलय का निर्माण करके एक छल्ले जैसी संरचना का निर्माण कर देते हैं, और ऐसे सिम्टम्स को जब हम टारगेट बोर्ड सिम्टम कहते हैं। द स्पॉट्स फॉर्म्ड ऑन द लीफ रिड्यूस द फोटोसिंथेटिक एरिया, और इन स्पॉट्स के बन जाने के कारण पौधे के पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डाउन हो जाती है और पत्ती सूखना शुरू हो जाती है और पत्ती गिर जाती है। सीवियर इन्फेक्शन की स्टेज में उसका इंटायर लेमिना, उसका पिटियोल और स्टेम भी उसका जो है बैडली डैमेज हो जाता है। अल्टरनेरिया सोलेनाई जिसके इन्फेक्शन के कारण उसका जो ट्यूबर है, आलू जो है जो ज़मीन के अंदर बनता है, उसका भी जो है सेप ख़राब हो जाता है, वो भी काला काला पड़ जाता है, और उसका जो पोटैटो का जो पल्प होता है वो ब्राउन हो जाता है, और ऊपर की तरफ जो है हार्ड होकर के कोर की टेक्सचर के अंदर जो है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अल्टरनेरिया जो है उसके पत्तियों को, उसके तने को, और इवन जो ज़मीन के अंदर उसका रिजर्व फूड है उसको भी प्रभावित करता है। वेजिटेटिव माइसिलियम अगर हम इसका देखें तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, माइसिलियम इसका सेपरेट होता है, लाइट ब्राउन कलर के अंदर होता है, इसकी कोशिकाएं जो है बहु केंद्र की होती है, और माइसिलियम जो है वो सबसे में हाईलाइन होता है। अर्ली इन्फेक्शन की स्टेजेज में ये पैरासिटिक स्पीशीज के अंदर कोशिकाओं के बीच बीच में रहता है, इंटरसेलुलर होता है, और बाद में जो है ये इंट्रासेलुलर जिसे हम कह सकते हैं अंतर कोशिकी से अंतः कोशिकी हो जाता है। अगर हम इसका रिप्रोडक्शन देखें, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर होने के नाते इसके अंदर लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है, और जो अलैंगिक जनन इसके अंदर होता है वो अलैंगिक जनन भी जो है कोनिडिया के माध्यम से होता है। कोनिडिया जो कि एकल या एक श्रृंखला के अंदर कोनिडियोफोर अनब्रांच्ड अशाखित कोनिडियोफोर के शीर्ष के ऊपर चेन के अंदर या अकेले भी बनते हैं, और ये कोनिडियोफोर्स जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और पत्ती की सरफेस के अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं इन्फेक्टेड लीव की स्टोमेटा के माध्यम से ये बाहर निकल आते हैं और इसके ऊपर जो है ये कोनिडिया दिखाई देते हैं। द डार्क कलर्ड कोनिडिया आर मल्टीसेलुलर ओबक्लेवेट ओबॉइड और म्यूरीफॉर्म इन शेप, जो इसके कोनिडिया होते हैं वो बिल्कुल काले भूरे रंग के दिखाई देते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अंदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रकार के पट पाए जाते हैं, और हर एक कोनिडियम के अंदर 5 से 10 सेप्टा या पट पाए जाते हैं, और ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पर इसके अंदर पटों की संख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है। कोनिडियम की जो साइज़ है वो 30 से 130 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है, 12 से 30 माइक्रोमीटर ब्रेड्थ या चौड़ाई के अंदर होता है। ये दोहरी भित्ति से गिरा रहता है और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो पिगमेंटेड होती है, जिसकी वजह से ये पूरे से काले रंग का दिखाई देता है। इसके ऊपर एक बीक पाई जाती है जिसको हम कह सकते हैं इसकी चोंच होती है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से चेन के अंदर एक के ऊपर एक कोनिडिया इसमें बने हुए हैं, और कोनिडिया के ऊपर शीर्ष की तरफ से एक पतली सी नाली दिखाई जो हमें दे रही है उसे हम बीक कहते हैं, और इसमें कई सारे पट आड़े और खड़े दिखाई दे रहे हैं। द कोनिडिया आर रेडिली डेसिमिनेटेड बाई विंड, हवा के द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है। ये कोनिडिया की जो श्रृंखला होती है वो कोनिडियोफोर से डिस्ट्रेट होकर के एक सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर
गिर जाती है, वह अंकुरित करती है जब कंडीशन ह्यूमिडिट होती है, या हम कह सकते हैं जब अच्छी आर्द्रता होती है, जब इसका कोनिडिया जो है वो अंकुरित होता है, और प्रत्येक कोनिडियम से 5 से 10 अंकुरण नलिकाएं निकलती है। और हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जितने सेगमेंट होते हैं कोनिडिया के अंदर, क्योंकि उसमें आड़े और तिरछे पट होते हैं, तो हर एक कोशिका, हर एक सेगमेंट जो है, उस सेगमेंट से जो है जर्म ट्यूब या अंकुरण नलिका निकल सकती है। ये अंकुरण नलिका जो कि स्टोमेटा के माध्यम से पुनः होस्ट की पत्ती में प्रवेश कर जाती है, और ये डेवलप होकर के नया माइसीलियम कोशिकाओं के बीच बीच में अंतर कोशिकीय माइसीलियम के रूप में फैलता रहता है। अल्टरनेरिक एसिड हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस एंड इट इज रिगार्डेड दैट द पैथोजेनिसिटी ऑफ द फंगस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड। तो इस फंजाई के अंदर एक अल्टरनेरिक एसिड पाया जाता है, और यही जो है उसमें ये संघर्ष का कारण होता है, बीमारी पैदा करने का कारण होता है। अल्टरनेरिया की परफेक्ट स्टेज के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके अंदर 1980 के अंदर वेबस्टर ने जो है ये बताया कि अल्टरनेरिया एक लोक्यूलो एस्कोमाइसिटिस फंगस है, और कह सकते हैं ये एस्कोमाइसिटिस के नाम से जो है ये जाना जाता है, जिसे प्लियोस्पोरिया इन्फेक्टोरिया या अल्टरनेरिया इन्फेक्टोरिया के नाम से जो है नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है अल्टरनेरिया एक ड्यूटेरोमाइसिटिस का एक ऐसा सदस्य है जो कि अभी जिसमें लैंगिक जनन की पूर्ण जानकारी इसकी प्राप्त नहीं है, और लैंगिक जनन की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण आज भी इसे हम कोनिडिया की उपस्थिति के आधार पर और इसे हम ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर अध्ययन करते हैं, और ये कोनिडिया के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे में, दूसरे पौधे से तीसरे पौधे में अपना संक्रमण फैलाता है, और इसके अंदर जो बनने वाले कोनिडिया हैं वो बहु कोशिकीय होते हैं, और यही इसकी पहचान का एक सबसे सरल तरीका है कि अल्टरनेरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पर हम कैसे पहचाने। तो अल्टरनेरिया का जो कोनिडिया होता है वो एक तो चेन या उसमें श्रृंखला में बनता है, इसके ऊपर एक बीक पाई जाती है, चोंच पाई जाती है, और साथ साथ में इसके हर एक कोनिडिया के अंदर आड़े और तिरछे कई सारे इसमें पट पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से हम अल्टरनेरिया को प्रायोगिक कक्षाओं के अंदर भी पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।